जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका वही चिर परिचित दोस्त तो मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई औषधि। हर रोज़ आप हमारे सुझाव, हमारी औषधियों के बारे में सुनते आ रहे हैं दोस्तों, इसके लिए धन्यवाद। आइए, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नाश्ते में दही खाने के आश्चर्यजनक फ़ायदे बताएंगे दोस्तों। आज जो टॉपिक है हमारा वो नाश्ते में दही खाने के आश्चर्यजनक फ़ायदे। नियमित रूप से नाश्ते में दही का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास होता है और संक्रमण रोग नहीं होता है। दही से हमारे शरीर को भरपूर कैल्शियम, प्रोटीन, जिंक, राइबोफ्लेविन तथा विटामिन B12 मिलता है। इसके नियमित सेवन से हमारे शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है दोस्तों। आंवले के चूर्ण के साथ दही का सेवन करने से शरीर के सभी दोष दूर होते हैं। आइए अब हम आप सबको बताते हैं कि दही खाने के हमारे जीवन में क्या क्या फायदे हैं दोस्तों। अगर आप दही में थोड़ा सा गुड़ या आंवला पाउडर मिलाकर खाएं तो दही अमृत जैसी हो जाती है। अपच, दही में भुना हुआ पिसा जीरा और काला नमक तथा काली मिर्च मिक्स करके आप अगर रोजाना खाते हैं तो अपच ठीक हो जाता है दोस्तों और भोजन जल्दी पचने लगता है। आधे सिर का दर्द, जी हाँ दोस्तों, यदि सिर दर्द सूर्य के साथ बढ़ता और घटता है तो इस तरह के सिर दर्द को आधे सिर का दर्द कहते हैं। आधे सिर का दर्द दही के साथ चावल खाने से ठीक हो जाता है। सुबह सूरज उगने के समय सिर दर्द शुरू होने से पहले रोजाना चावल में दही मिलाकर खाना चाहिए। बच्चों का भोजन, दही माँ के दूध के बाद बच्चे का सबसे अच्छा भोजन होता है। बुल्गारिया में जिन बच्चों को माँ का दूध उपलब्ध नहीं होता है दोस्तों, उन बच्चों को खाने के लिए दही दिया जाता है। वजन कम करे, जी हाँ, दही में मौजूद कैल्शियम शरीर पर फैट नहीं बढ़ने देता है। शरीर पे बढ़ा हुआ फैट कई तरह की समस्याओं को साथ लाता है दोस्तों, जैसे उच्च रक्तचाप, मोटापा। एक शोध के मुताबिक हर रोज 5 चम्मच दही पेट कम करने में मददगार साबित होती है। हाई न्यूट्रिशन, विटामिन ए, डी और B12 से युक्त दही में 100 ग्राम फैट और 98 ग्राम कैलोरी होती है। लगभग सभी लवण दही में मौजूद होते हैं। दही में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। पाचन के लिए बेहतर, जी हाँ, किसी भी प्रकार के खाने को दही से हजम किया जा सकता है क्योंकि दही भोजन प्रणाली को तंदुरुस्त बनाता है, तंदुरुस्त रखता है, दुरुस्त रखता है। हर रोज एक कटोरी दही आपको एसिडिटी से भी दूर रखेगा और जिन्हें यह परेशानी रहती है उन्हें अपने खाने में दही जरूर शामिल करनी चाहिए दोस्तों। दही से पेट की बहुत सारी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। बालों का झड़ना, जी हाँ, खट्टे दही को बालों की जड़ों में लगाकर थोड़ी देर मालिश करने के बाद उसे ठंडे पानी से धो लें, इससे बाल झड़ना बंद हो जाते हैं दोस्तों। गंजेपन का रोग, जी हाँ, दही को तांबे के बर्तन में रखकर इतनी देर तक रगड़ें कि वो हरा हो जाए, इसको सिर में लगाने से सिर का गंजापन खत्म हो जाता है दोस्तों और पुनः नए बाल उगना स्टार्ट हो जाता है। अफारा, पेट में गैस का बनना, जी हाँ, दही की छाछ को पीने से अफारा यानी कि पेट में गैस बनना कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। रतौंधी, दही के पानी में काली मिर्च को पीसकर आंखों में काजल की तरह लगाने से रतौंधी के रोग में आराम आता है। जीभ की प्रदाह और सूजन, दही में पानी मिलाकर रोजाना गरारे करने से जीभ की जलन खत्म हो जाती है। दही के साथ पका हुआ केला सूर्योदय से पहले खाने से जीभ में होने वाली फुंसियाँ खत्म हो जाती हैं। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए, जी हाँ, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी लवण है और दही में यह भरपूर मात्रा में होता है दोस्तों, तो गठिया की बीमारी से परेशान लोगों के लिए दही बेहतर माना जाता है। सेहतमंद दिल, जी हाँ, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी और जीवन शैली और जंक फूड खाने की आदत से आपके दिल पर काफ़ी असर पड़ता है दोस्तों। हर रोज़ खाने में दही को शामिल करने से आपका दिल मजबूत बना रहेगा और कई बीमारियों से बचा रहेगा। दही शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है
और हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, दोनों तरह के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। दोस्तों धन्यवाद, अगली बार हम आप सबसे मिलेंगे एक और नए टॉपिक पर। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।